आज हम बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही रिफ्रेशिंग ड्रिंक जो गर्मियों में आपको तरोताजा कर देगा। बहुत ही इजी रेसिपी है, बस 5 मिनट में बनके ये रेडी हो जाता है और खासकर बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आएगा। तो अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हेलो माय फूडी फ्रेंड्स, वेलकम टू कीप कुकिंग विद प्रिया। आज हम बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही हेल्दी और टेस्टी समर ड्रिंक, ये है कस्टर्ड मिल्क शेक। बहुत ही इजी रेसिपी है, इसे जरूर ट्राई करें। तो आइए फटाफट से बनाते हैं इसे। सबसे पहले आप ले लें एक भारी तले का बर्तन और उसमें ले लें 1/2 लीटर दूध। जो भी आप नॉर्मली दूध लेते हैं बस वही वाले दूध का आपको इस्तेमाल करना है, कोई भी स्पेसिफिक या अलग तरीके का दूध नहीं चाहिए। अभी मैंने गैस को ऑन नहीं करा है, दूध कच्चा है और रूम टेम्परेचर पर है। इसमें से मैं निकाल रही हूँ 1/4 कप दूध और इसे अलग रख रही हूँ। अब गैस को ऑन करके हमें इसे लगातार चलाते हुए बॉइल करना है। अगर आप बॉइल्ड मिल्क का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी मलाई ना हटाएं, वो भी इसके साथ ही ले लें और उसको साथ में ही उबालें। जरूरी नहीं है कि आप फुल फैट मिल्क लें, लेकिन अगर फुल फैट मिल्क होगा तो डेफिनेटली मिल्क शेक थोड़ा ज्यादा अच्छा और क्रीमी बनेगा। पर अगर आप टोन्ड मिल्क पीते हैं तो आप इस रेसिपी में उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरी गैस की फ्लेम लो टू मीडियम पर है और आप देख सकते हैं कि दूध में एक बॉइल आ गया है। अब मैं फ्लेम को लो पे करके इसे 2 मिनट और सिमर कर रही हूँ। अब हम इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच बादाम बारीक कटे हुए, 2 बड़े चम्मच काजू, इन्हें भी मैंने बारीक काट लिया है, 1 बड़ा चम्मच चिरौंजी, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके घर पे चिरौंजी हो तो इसका इस्तेमाल करने, वरना आप इसे स्किप कर सकते हैं, और 1 पिंच केसर, इससे बहुत ही अच्छा कलर आएगा और दूध हेल्दी भी बन जाएगा। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर दें और सिमर होने दें। तो बस अब हम दूध को सिर्फ 2-3 मिनट के लिए सिमर करेंगे और अब जो हमने 1/4 कप दूध अलग रखा था उसमें हम मिलाएंगे 1 बड़ा चम्मच कस्टर्ड पाउडर। ये वेनिला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर है, इसे दूध में अच्छे से मिला लें ताकि कोई भी लम्ब्स ना रहे। कस्टर्ड पाउडर से इस मिल्क शेक में एक बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाएगा और मिल्क थोड़ा गाढ़ा भी हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लम्ब फ्री स्लरी बिल्कुल तैयार है। अब इस स्लरी को हम दूध में मिलाएंगे और जैसे ही आप इसे डाल दें इसे तुरंत हिलाते रहें ताकि कोई भी लम्ब्स ना पड़े। यहाँ पे गैस की फ्लेम को मीडियम पे रखें और इसे 2 मिनट तक कुक करें ताकि कस्टर्ड पाउडर का कच्चापन चला जाए। इसे ज़्यादा देर के लिए कुक ना करें, नहीं तो ये मिक्सचर काफ़ी थिकन हो जाएगा। तो अब जैसे ही इसमें एक बॉईल आने लगे हम इसमें डालेंगे 3 बड़े चम्मच चीनी। चीनी की क्वांटिटी को आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हो तो चीनी की क्वांटिटी को थोड़ा इनक्रीज कर दें। अब चीनी को भी इसमें अच्छे से मिक्स कर लें और दूध में वापस से एक बॉईल आने दें। तो यहाँ पे दूध में एक बॉईल आ चुका है, अब हम गैस को कर देंगे बंद और आइए मैं आपको मिक्सचर की कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। देखिए अभी भी ये मिक्सचर पतला है, ज़्यादा थिक नहीं हुआ है, बिल्कुल हमें ऐसा ही चाहिए इस मिल्क शेक के लिए। अब इस पैन को किचन प्लेटफॉर्म पर रख के रूम टेम्परेचर पर आने दें और इसके बाद आप इसे फ्रिज में रख के कम्प्लीटली ठंडा होने दे सकते हैं। तो यहाँ पे मिक्सचर ठंडा हो चुका है और आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, अभी भी ये बहुत ज़्यादा थिक नहीं है, क्रीमी है और हल्का पतला है। तो अब एकदम चिल्ड मिक्सचर को पोर करें आप ग्लासेस में। ये मिल्क शेक गर्मियों के लिए बहुत ही अच्छा है, रिफ्रेशिंग तो है ही, इसका टेस्ट भी बहुत ही यूनिक है और ये सारे नट्स डाल के हेल्दी भी हो गया है। तो अब इसे एकदम समर कूलर बनाने के लिए इसमें हम डालेंगे 1 स्कूप आइसक्रीम की, कोई भी आप आइसक्रीम डाल सकते हैं अपने चॉइस की, और फिर इसे गार्निश करें चॉप्ड नट से। तो इस रिफ्रेशिंग ड्रिंक को इन गर्मियों में जरूर ट्राई करें, इसका यूनिक फ्लेवर आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। इसे ट्राई करें और अपना फीडबैक हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। Thanks for watching.